कुढ़नी जीत का जश्न मना रही भाजपा पर जदयू के प्रवक्ता व पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर रणबीर नंदन ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि भाजपा जिस जीत का जश्न मना रही है वो महज तुक्के वाली जीत है। भाजपा के कई चेहरे हैं, खुद को स्वघोषित राष्ट्रवादी पार्टी कहने वाली भाजपा का असली चेहरा सांप्रदायिकता और जातिवाद का है। कभी वे सांप्रदायिक चेहरे को आगे करते हैं तो कभी जातिवादी चेहरे को। कुढ़नी में भाजपा ने घनघोर जातिवादी रवैया अपनाते हुए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाकर चुनाव जैसे तैसे जीता है। प्रोफेसर नंदन ने कहा कि बिहार की जनता के सामने यह सालों से स्पष्ट है कि भाजपा के पास नीतीश कुमार जी जैसा क्या उसके आसपास भी कोई चेहरा नहीं है। किसी एक उपचुनाव की हार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात होती है जनता के समर्थन और विश्वास की, जो सिर्फ नीतीश कुमार के पास है। भाजपा के नेता अच्छी तरह जानते हैं कि नीतीश कुमार के सामने न उनका कोई वजूद है और न ही कोई समर्थन। कुढ़नी की कम मार्जिन वाली जीत में जितना खुश होना हो लें, आगे सब पता चल जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कुढ़नी चुनाव में भाजपा ने धन बल, बाहुबल, जातिवाद, सांप्रदायिकता सब एंगल पर काम किया, इसके बावजूद बड़ी जीत नहीं मिली है। इसी से भाजपा को अंदाजा लगा लेना चाहिए कि आने वाले चुनाव में बिहार में भाजपा की क्या स्थिति होगी। स्थानीय मुद्दों पर लड़े गए इस चुनाव में मिली जीत भाजपा को बिहार में राजनीतिक रसातल में जाने से रोक नहीं सकती।